हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों फाइनली यहाँ पर व्यू ने अपनी 2020 की फर्स्ट स्मार्ट टीवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या यहाँ पर कोई स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, क्या यूनिक मिलता है और लास्ट में जानेंगे मेरे पर्सनल ओपिनियन की क्या ये स्मार्ट टीवीज आपके लिए बेस्ट होने वाली है या फिर नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्मार्ट टीवी से रिलेटेड अमेजिंग वीडियोज मिलते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो को फाइनली शुरू करते हैं। सो गाइस फाइनली यहाँ पर व्यू ने अपनी व्यू सिनेमा स्मार्ट टीवी सीरीज को इंट्रोड्यूस कर दिया है और इस सीरीज के अंदर यहाँ पर आपको टोटल तीन वेरिएंट्स देखने मिलने वाले हैं। पहला है 43 इंच, दूसरा है 50 इंच एंड लास्ट वाला है 55 इंच। तो यहाँ पर आपको टोटल तीन वेरिएंट्स देखने मिलने वाले हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम प्राइसिंग की बात करते हैं, यार प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो यहाँ पर जो 43 इंच वाला वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग यहाँ पर 27,000 रुपीज रखी गई है एंड जो 50 इंच वाला वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग यहाँ पर 30,000 रुपीज रखी गई है एंड लास्ट जो कि है मेरा फेवरेट 55 इंच वाला वेरिएंट, इसकी प्राइसिंग यहाँ पर 34,000 रुपीज रखी गई। सो गाइस जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो इन टीवीज की प्राइसिंग है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव रखी गई है एंड इसी के साथ जो स्पेक्स मिलते हैं जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में वो भी काफी अच्छे आपको मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों आप रुक करते हैं इन टीवी के डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में और क्या यहाँ पर आपको यूनिक मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं स्मार्ट टीवी के साउंड क्वालिटी की। तो यहाँ पर आपको टीवी के लोअर रीजन में एक साउंड बार अटैच मिल जाएगा जहां पर आपको ट्विटर्स प्लस स्पीकर्स दोनों का ही सपोर्ट मिलता है, जिसके थ्रू आपको यहाँ पर ट्रू सराउंड का इफेक्ट मिलता है, मतलब कि थिएटर वाला एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर टोटल जो आउटपुट है स्पीकर्स की वो है 40 वॉट। अब यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो यहाँ पर साउंड की लाउडनेस किस लेवल की होने वाली है और क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर आपको साउंड तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको मिलती है। और इसी के साथ इस टीवी में आपको डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट मिल जाता है। अब दोस्तों यहां पर सवाल ये आता है, भले ही हमें यहां पर 40 वॉट का आउटपुट मिल रहा है लेकिन रियलिटी में एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। तो थोड़ी देर पहले यहां पर मैं व्यू का लॉन्च इवेंट देख रहा था, वहां पर जो साउंड क्वालिटी थी काफी अच्छी थी, वहां पर उन्होंने बकायदा एक सैंपल वीडियो प्ले करके दिखाया था। तो वहां पर जो साउंड थी काफी ज्यादा लाउड थी, क्रिस्टल क्लियर साउंड यहां पर आपको मिलता है। तो दोस्तों नो डाउट यहां पर आपको जो साउंड क्वालिटी मिलती है इस टीवी में वो काफी अच्छी मिलती है एंड मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस रेंज में कोई अदर स्मार्ट टीवी कंपनी आपको इतने अच्छे साउंड आउटपुट प्रोवाइड करा सकती है। तो नो डाउट यहां पर आपको जो साउंड आउटपुट मिलता है वो काफी अच्छा है। अब यहां पर हम बात करते हैं इस टीवी के पिक्चर क्वालिटी की। तो यहां पर दोस्तों फर्स्ट टाइम व्यू ने अपने स्मार्ट टीवी में पिक्सेलियम ग्लास टेक्नोलॉजी को यूज किया है। अब इसके थ्रू क्या होता है, आपकी जो टीवी है उसकी जो ब्राइटनेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है और इसलिए यहां पर इस स्मार्ट टीवी में आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलने वाली है। वंस अगेन दोस्तों इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी इतनी अच्छी ब्राइटनेस नहीं प्रोवाइड कराता है। अगर आपको मेरा वीडियो याद होगा कुछ दिनों पहले यहां पर मैंने एक वीडियो बनाया था बेस्ट स्मार्ट टीवी कैसे चूज करें, तो वहां पर मैंने एक फैक्टर बताया था कि कोई भी स्मार्ट टीवी लेने से पहले उसका ब्राइटनेस चेक कर लिया करो। तो एटलीस्ट वहां पर जो ब्राइटनेस है वो 450 के अबव होनी चाहिए। तो यहां पर आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, मतलब कि काफी अच्छा यहां पर आपको ब्राइटनेस मिल जाता है। एंड इसी के साथ इस टीवी में जो आपको ब्लैक कलर्स देखने मिलने वाले हैं वो और भी ज्यादा ब्लैक दिखने वाले हैं और भी ज्यादा डार्कर होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको जो ब्लैक एंड व्हाइट का एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है जो कि आपके पिक्चर एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा एनहांस करने वाला है। एंड इसी के साथ इस टीवी में आपको वीओडी अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी एंड क्रिकेट मोड का भी ऑप्शन मिलने वाला है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो डिस्प्ले फीचर्स है वो काफी अच्छे यहाँ पर हमें मिलते हैं एंड जो ब्राइटनेस है वो भी काफी अच्छी है एंड व्यू की जो पिक्चर क्वालिटी है हमें पता है, बहुत सारे टीवीज को हमने पहले भी देखा है, काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी यहां पर आपको व्यू की तरफ से मिलती है। सो गाइस यहां पर जो ओवरऑल डिस्प्ले फीचर्स हैं वो काफी अच्छे हैं एंड यहां पर हमें कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर, क्योंकि यहां पर हमने जो व्यू के प्रीवियस स्मार्ट टीवी है उनको यूज किया है वहां पर हमें पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है और इस बार इस टीवी में जो ब्राइटनेस है वो काफी अच्छी रखी गई है। तो नो डाउट यहां पर आपको जो पिक्चर एक्सपीरियंस मिलेगा वो काफी अच्छा होने वाला है। अब दोस्तों यहां पर कुछ दिनों पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जहां पर मैंने बताया था कोई भी स्मार्ट टीवी लेने से पहले कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करना है। तो वहां पर मैंने जो सेकंड पॉइंट था वहां पे मैंने बताया था कि आपको पहले फोकस करना है डिस्प्ले क्वालिटी पे एंड सेकंड है साउंड क्वालिटी पे। दोस्तों इस टीवी में दोनों ही चीजें परफेक्ट हैं, जो पिक्चर क्वालिटी है, जो डिस्प्ले फीचर्स है वो काफी अच्छे मिलते हैं एंड जो साउंड आउटपुट है वो भी काफी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए परफेक्ट स्मार्ट टीवी हो सकती है। अब दोस्तों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अदर फीचर्स के बारे में कि यहां पर आपको आगे क्या मिलता है। तो जैसे हम सभी को पता है ये जो स्मार्ट टीवीज है ये एंड्रॉइड सर्टिफाइड टीवीज है और यहां पर आपको एंड्रॉइड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और इसी के साथ यहां पर आपको सारे ओटीटी एप्स का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि जितने फीचर्स आपको एक नॉर्मल एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी मिलते हैं उन सभी का सपोर्ट आपको इस टीवी में मिलने वाला है। इसी के साथ यहां पर आपको रिमोट के अंदर वॉइस असिस्टेंट एंड हॉटकीज का सपोर्ट मिलेगा, जिसके थ्रू आप सारे जो ओटीटी एप्स हैं उनको डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे।
एंड इसी के साथ इस टीवी में आपको हेल्प मोड का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंदर आपके जितने भी नॉर्मल प्रॉब्लम्स होते हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे डिस्प्ले सेटिंग को चेंज करना है और मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं इस हेल्प मोड पर जाकर ट्यूटोरियल्स देखकर उसको सीख सकता हूं, उसके बाद मैं अपने डिस्प्ले सेटिंग को इजिली चेंज कर पाऊंगा। तो ऐसे जितने भी प्रॉब्लम यहां पर आपको अपने टीवी में देखने मिलते हैं उन सभी को आप इजिली इस हेल्प मोड के थ्रू सॉल्व कर पाओगे। तो ये फीचर मुझे काफी अच्छा लगा और ये फीचर जो है फर्स्ट टाइम स्मार्ट टीवी में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इस टीवी में आपको क्रोमकास्ट का भी सपोर्ट मिलता है और अगर आप एप्पल डिवाइसेस को यूज करते हो तो यहां पर आपको एयर प्ले का भी ऑप्शन मिलता है, जिसके थ्रू आप अपने एप्पल डिवाइसेस को भी कास्ट कर पाओगे। तो ये सारी चीजें यहां पर मॉडिफाई की गई हैं इस स्मार्ट टीवी के अंदर, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत ही बड़ा अपग्रेड देखने मिलने वाला है इस स्मार्ट टीवी के अंदर। अब यहां पर हम बात करते हैं स्मार्ट टीवी की कनेक्टिविटी ऑप्शन की। तो यहां पर आपको ब्लूटूथ एंड वाईफाई दोनों का ही सपोर्ट मिल जाता है। एंड रही बात कनेक्टिविटी पोर्ट की, तो यहां पर आपको 3 एचडीएमआई पोर्ट मिलने वाले हैं, 2 यूएसबी पोर्ट मिलने वाले हैं, 1 इथरनेट पोर्ट भी मिलने वाला है। अब दोस्तों, यहां पर इस टीवी में कौन सा प्रोसेसर यूज किया गया है, रैम कितनी है, रोम कितनी है, ये इंफॉर्मेशन अभी तक हमें अवेलेबल नहीं है, ना ही इन्होंने लॉन्च इवेंट में बताई है और ना ही अभी तक कहीं हमें वेबसाइट पर मिला है। तो जैसे ही हमें पता चलता है, मैं आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में अपडेट दे दूंगा और आपको इस टीवी की पूरी डिटेल जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली। सो दोस्तों, ये थे व्यू स्मार्ट टीवीज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर बात करते हैं मेरी पर्सनल ओपिनियन की। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या ये स्मार्ट टीवीज हमें लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए। तो नो डाउट आंसर बहुत ही सिंपल है, अगर आपका बजट इतना है और आप कोई नया स्मार्ट टीवी लेने के बारे में सोच रहे थे, तो आपके लिए व्यू की सिनेमा स्मार्ट टीवीज बेस्ट ऑप्शन निकल के आने वाली है। तो यहां पर आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं, जो प्राइसिंग है वो काफी अच्छी रखी गई है और मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई भी कंपनी आपको इतने कम प्राइस में इतने अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करा सकती है। वेल, यहां पर इसका और एक कॉम्पिटिटर आने वाला है, जो कि है मी टीवी 5 प्रो, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो अगर आप इस समय कोई नया स्मार्ट टीवी लेने का सोच रहे हो, तो आपके लिए व्यू की सिनेमा स्मार्ट टीवीज बेस्ट ऑप्शन निकल के आने वाली है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको स्मार्ट टीवी से रिलेटेड अमेजिंग वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।